आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो आपको चप्पल मारनी ही है लाफा तो आपने खा लिया मुझे इतना भरोसा है मेरे देश पे आई एम अ वेरी वेरी प्राउड प्राउड इंडियन आणि मी एक मराठी तर देश मध्ये दे माझे महाराष्ट्र मध्ये तू कुठे पण बाहेर दिसली ना तर फक्त एक सिख नाही एक मराठी पण एक हिंदू पण एक क्रिश्चियन पण और एक मुस्लिम भी तुझे मुझे अच्छी तरह से पता है कि चप्पलों से तेरा स्वागत करेगा क्योंकि ये सोच सुंदी है पहले मुखी बाबा दीप सिंह जी बिना शीर्ष के हाथ में खंडा लेके जंग लड़े अमृतसर साहिब इतिहास हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है भाई और अगर वो मूवी में दिख, दिख जाता है कि वो आतंकवादी है याद रखना कर रही है ना तू तो, उसका क्या सेवा हुआ था सतवन सिंह और बैल सिंह कौन थे वो भी रोल करने के तैयार हो जाना ये मैं दिल से बोल रहा हूं क्योंकि उंगा जो हमारे तरफ करता है वो उंगा नहीं छुटकाते थे हम तो वो संत जी के लिए हम अपना सर कटवा भी देंगे जो सर कटो आप भी सकते हैं तुम काट भी सकते हैं खुलेआम जान से मारने की धमकी एक्टर और सांसद कंगना रनौत को दी जा रही है वजह है उनकी फिल्म इमरजेंसी जो 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है इमरजेंसी में कंगना ने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है इस फिल्म की वो डायरेक्टर भी हैं धमकी देने वाले कह रहे हैं कि जनरल सिंह विंद्रा वाले को आतंकी की तरह दिखाना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंजाब महाराष्ट्र और हिमाचल पुलिस को टैग करते हुए इस धमकी की ओर ध्यान दिलाया है इमरजेंसी फिल्म में ऐसा क्या है जो सिख संगठन इसका विरोध कर रहा है आपको ये भी बताएंगे पहले धमकी देने वालों का परिचय करा देते हैं इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले उनके बॉडीगार्ड सतवंत और वेन्त सिंह का जिक्र वैसा ही हसर करने की धमकी दे रहा है ये शख्स इसका नाम है बिक्की थॉमस

बहुत गलत तरीके ने पेश किया गया वही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक का कहना है की इमरजेंसी फिल्म में वाले और सिख समाज की सही तस्वीर पेश नहीं की गई है इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए दूसरी तरफ कई लोग कंगना को मिली धमकी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं जिस ट्वीट को टैग करके कंगना ने पुलिस से शिकायत की है उसी के नीचे एक शख्स ने लिखा है कि हमारे देश को ये क्या हो गया है कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है और बॉलीवुड की अभिनेत्री है क्या उन्हें सिर्फ इसलिए धमकाया जा रहा है कि वो हमारे भारत के इतिहास को दिखा रही हैं क्या इंदिरा गांधी की कहानी दिखाना गलत है जो हमारे देश की ताकतवर नेताओं में से एक थी उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं सारा हंगामा इमरजेंसी फिल्म को लेकर है लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या है फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म के ट्रेलर से पता लगता है कि पिता जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी के रिश्ते कैसे रहे इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में कैसे आएं फिल्म में कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों को भी शामिल किया गया है जिसमें इमरजेंसी शिमला समझौता खालिस्तानी मूवमेंट और जेपी आंदोलन शामिल है आपको बताते चले उन्नीस में एक से आठ जून के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जिसमें जर्नेल सिंह विंद्रावाला समेत कई उसके हथियार बंद साथी मारे गए थे उसके कुछ दिन बाद ही 31 अक्टूबर उन्नीस को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड गार्ड सतवंत और वेन्त सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी जिसका जिक्र कंगना को धमकी देने वाला विक्की थॉमस भी कर रहा है धमकियों के बीच इमरजेंसी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है कंगना पहले ही किसान आंदोलन पर विवादित बयान देकर विवादों में है इस मामले में पार्टी भी उनके साथ नहीं खड़ी है इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा आपको हमारे वीडियो पसंद है हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें